सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। जब हम वो कर लेते हैं जिससे हम डरते हैं, तभी हमारे अंदर निडरता जन्म लेती है। जरूरत से ज्यादा अच्छे बनोगे तो प्रेम की भाषा बोलिए, क्योंकि इसे गूंगे भी बोल सकते हैं और बहरे भी सुन सकते हैं। अंधेरे में मोमबत्ती, मुसीबतों में उम्मीद जिंदगी में बहुत काम आती है। आज का पंचांग 8 सितंबर 2020, दिन मंगलवार, आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि, रात्रि 12:03 तक रहेगी। इसके उपरांत सप्तमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। भरणी नामक नक्षत्र सुबह 8:26 तक रहेगी। इसके उपरांत कृतिका नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय दोपहर 3:28 से 5:01 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय सुबह 11:59 से 12:48 तक रहेगा। आज चंद्रमा मेष राशि पर दोपहर 3:10 तक रहेगी। इसके उपरांत वृषभ राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य सिंह राशि पर रहेंगी। 8 सितंबर 2020, दिन मंगलवार, एक महत्वपूर्ण निर्णय के लिए आपके ध्यान की आवश्यकता है। अपने किसी खास या करीबी साथी की सलाह लें। वचन बंध होने से पहले अपने विकल्पों को अच्छी तरह से जांच लें। आज हर अवसर और मौका आपके लिए खुला रहेगा। इस समय आपका उत्साह ही अत्यधिक है, इसके साथ ही नए विचारों का भी आपके जीवन में आगमन होगा। जीवन की निरस्ता को छोड़ अपनी पंखों को खोलें और ऊंचा उड़ने के लिए तैयार हो जाएं। महानता कभी न गिरने में नहीं है, बल्कि हर बार गिरकर उठ जाने में है। आज कोई शुभ समाचार मिलने से सारा दिन खुशनुमा व्यतीत होगा। धन संबंधित मामलों में भी सफलता हासिल होगी तथा कार्य संबंधित योजनाएं समय पर सफल होने से सुकून रहेगा। माता पिता का आशीर्वाद व इसने आपके भाग्य को और अधिक बल प्रदान करेगा। आज आप पर भी चंद्र का प्रभाव होगा जिससे आपके अंदर की ज्ञान शक्ति का संतुलन होगा। खूबसूरत व्यक्तित्व पर आप खास ध्यान देंगे। स्वभाव में बदलाव दिखेगा। भावनाओं को अधिक महत्व दिया जाएगा। चांदी के धातु में रखा हुआ पानी इस्तेमाल करें जिससे आंतरिक समाधान और इच्छा पूर्ति जल्द होगी। रंगमंच या फैशन से जुड़े व्यक्ति अपनी कला को उचित न्याय देंगे। सावधानियां, जमीन संबंधित विवादों में कुछ तनाव के बाद हल मिलने की संभावना है। ध्यान रखें कि कुछ लोग आपके कार्य में विघ्न डालने के लिए सक्रिय रहेंगे, इसलिए थोड़ा संभाल कर रहने की आवश्यकता है। खर्चों की भी अधिकता बनी रहेगी। लव लाइफ की बात करें तो व्यापार में लाभ आपके खुशनुमा जीवन को और भी रंगीन कर देगा। आप अपने रोमांटिक संबंधों में बदलाव महसूस करेंगे। ऐसे में अपनी जीवन साथी की बात को ध्यान से सुने और उन्हें समझने की कोशिश करें। विवाह या कोई नया रिश्ता भी आपके जीवन में दस्तक दे सकता है। आज के दिन केवल आपका ही है, तो अपने पंखों को खोलें और उड़ान भरें। जिंदगी में कुछ अलग करने के लिए आप एक साहसिक यात्रा की योजना बना सकते हैं। आज आप अपनी रोमांटिक जीवन के कुछ बदलाव के बारे में भी सोच सकते हैं। विवाह योग्य हैं तो तैयार हो जाएं, जल्द ही शहनाई बजने वाली है। करियर की बात करते हैं। व्यापन और खरीद के लिए यह समय बिल्कुल उचित है। अपने काम को लेकर अभी आप पूरी तरह से सकारात्मक हैं। आपके पार्टनर और करीबी साथी आपका पूरा साथ देंगे। धन के लिए कुछ समय बेहतरीन नहीं है, नुकसान हो सकता है, इसलिए सावधान रहें। आपके सितारे आज आपके लिए नई चीजों
मौकों और रास्तों को लेकर आया है, इससे आप उत्साहित होंगी, लेकिन इसके साथ ही मन में नए विचार भी आएंगे। अब समय है विकास का और आसमान को छूने का। महान व्यक्ति केवल नए अवसरों के लिए तैयार ही नहीं रहते, बल्कि उनका निर्माण भी करते हैं। सेहत की बात करते हैं। दिल के मरीजों के लिए अच्छा होगा कि वे कसरत करें और अपनी सेहत ठीक रखें। ध्यान रहे, लगातार कसरत करने से दिल अच्छा काम करता है और दूसरी तरफ यह वजन घटाने, कोलेस्ट्रॉल और दबाव को कम करने में भी मदद करता है। आप खुद के हित के लिए कुछ कसरत करें और इन्हें अपनी जीवन शैली का हिस्सा बनाएं। जल्दी ही आपको लाभ मिलने लगेगा। आज का उपाय, आज आप शंकर भगवान जी को नारियल चढ़ाएं। दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। आपका दिन शुभ हो।